दोस्तों सीआईडी में इंस्पेक्टर अभिजीत का नाम काफी बड़े और बहादुर अफसरों के लिस्ट में शुमार किया जाता है। सीआईडी में सबसे चालाक और बुद्धिमान अफसरों में से एक है इंस्पेक्टर अभिजीत। तो दोस्तों इंस्पेक्टर अभिजीत ने पूर्वी से किया है अपने प्यार का इजहार, यानी कि पूर्वी तुम काफी खूबसूरत हो, ऐसा बोल दिया है इंस्पेक्टर अभिजीत ने। अब ये बात जानने के बाद तारिका का मन कैसा होगा? क्या तारिका दुखी होगी या फिर अभिजीत और तारिका का झगड़ा होगा? क्यों अभिजीत ने पूर्वी से अपने प्यार का इशारा किया है, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सीआईडी या फिर सीआईडी पूर्वी लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करिए और अपना प्यार दिखाइए। तो दोस्तों सीआईडी को आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा शो इंडिया में पहले कभी नहीं आया है दोस्तों, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी सीआईडी का नाम शुमार है सबसे लंबे चलने वाले शो के रूप में। तो दोस्तों सीआईडी के सीज़न वन को बंद हुए करीबन 2 से 2.5 साल बीत चुके हैं, हम लोग अभी 2021 में कदम रख चुके हैं और आने वाले एपिसोड में आपको एक ऐसा एपिसोड देखने को मिल सकता है सीआईडी के सीज़न टू में, जहां पर अभिजीत अपने प्यार का इशार कर रहे हैं पूर्वी से। लेकिन वेट, अभिजीत तो डॉक्टर तारिका से प्यार करते हैं और तारिका भी अभिजीत से प्यार करते हैं, तो ये पूर्वी बीच में कहाँ से आ गई? तो ये दोस्तों सीन आपको जब अभिजीत की याददाश्त चली गई होगी तब देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभिजीत भूल चुके होंगे कि वो तारिका से प्यार करते हैं और इसी बीच पूर्वी से उनकी मुलाकात होती है और पूर्वी को वो बोल देते हैं कि पूर्वी आप काफ़ी खूबसूरत दिख रही हो। इसके बाद पूर्वी का रिप्लाई क्या होता है और तारिका का रिप्लाई क्या होता है अभिजीत के लिए, तारिका क्या सोचती है, ये आपको पता चलेगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।